saw me do my two step. कि मोहब्बत के दो कदम मेरे साथ तो चल ले, दो घड़ी बैठ के दो बात तो कर ले, और समय बर्बाद न कर, बहुत कीमती है मोहब्बत, है तो बता नहीं तो निकल ले। मोहब्बत है तो बता नहीं तो निकल ले, तेरी खातिर सारा जमाना छोड़ देंगे, तेरी खातिर सारा जमाना छोड़ देंगे, खाली बैठ जाएंगे कमाना छोड़ देंगे, और एक दफा जो छू ले तू प्यार से उसी दिन से नहाना छोड़ देंगे, उसी दिन से नहाना छोड़ देंगे, और पलके उठे तो सुबह झुके तो शाम हो जाए। और अगली पंक्ति संभालना कि पलके उठे तो सुबह और झुके तो शाम हो जाए, और एक बार मुस्कुरा दो तो कत्लेआम हो जाए, एक बार मुस्कुरा दो तो कत्लेआम, जो शायरी पूरी नहीं हुई है अब देखना कि एक बार मुस्कुरा दो तो कत्लेआम हो जाए, और जरूरत नहीं मेरी बाहों में आने की, सपनों में आ जाए तो अपना काम हो जाए, सपनों में आ जाए तो अपना काम हो जाए। शिद्दत से किसी को चाह कर तो देख, शिद्दत से किसी को चाह कर तो देख, अपना किसी को बना कर तो देख, और कौन कहता है कि मर गए हैं हम, कब्र से मिट्टी हटा कर तो देख। बहुत आभार। और मैं तो एक बार कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रहा था, एक बाबूजी सामने से गुजरे और बोले पढ़ कविता, मैं कविता पढ़ता रहा, एक कविता निपटा दी, दूसरी बार फिर डंडा लेके चल दिए, मैंने कहा बाबूजी कोई दिक्कत, बोला नहीं तू तो कविता पढ़, मैंने एक कविता फिर निपटा दी, फिर से डंडा लेके इधर से उधर घूमने लगे, मैंने कहा बाबूजी कोई दिक्कत, बोला नहीं तू तो कविता पढ़, मैंने एक कविता और निपटा दी साहब, उसके बाद फिर से डंडा लेके इधर से उधर घूमने लगे, मैंने कहा बाबूजी कोई दिक्कत, बोला नहीं तू तो कविता पढ़, मैं तो उसे ढूंढ रहा जिसने तुझे बुलवाया। तो मोहित भाई को संभाल लेना, वो चौधरी साहब ने तोता पाल लिया, वो तोता ऐसा था आते जाते को गाली देता था, पंडित रोज निकलता था उसके घर के बाहर से, रोज उसको गाली देता था, अबे पंडित मूर्ख, पंडित को बात चुभती थी, पंडित ने चौधरी से शिकायत कर दी, भाई तेरा जो तोता है मुझे बहुत बेकार लगता है, ये मेरी इंसल्ट करता है, मुझे मूर्ख बताता है। तो चौधरी ने उसको समझा दिया तोते को, भाई देख ये पंडित है, ज्ञानी व्यक्ति है, इसके बारे में ऐसा कुछ मत कहा कर। तो उसने अगले दिन पंडित गया वहाँ से, उसके घर के बाहर से गुजरा और चेक करने के लिए रुका कि तोता कुछ कहता है कि नहीं, तोते की तरफ को देखा पंडित, कुछ नहीं बोला तोता, पंडित फिर थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा, तोते ने फिर भी कुछ नहीं कहा, पंडित फिर एक कदम आगे बढ़ा, तोते ने फिर भी कुछ नहीं कहा, पंडित फिर आगे बढ़ा, तोता बोला देख समझ तो तू गया ही है। वो चौधरी साहब के बाहर कुत्ता आ गया, तो चौधरी साहब ने कहा अरे सुने के राम फल, बोला हाँ, बोला रोटी लिया, बोला रोटी तो ना है, बोला फिर लट लिया खल्ली मैं भी जान दूँ। तो ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है। और चार पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ, भाई बैठे हैं और कान्हा भाई चले गए हैं साथ, और कौन से वाली, ओवैसी वाली, अरे अरे, तो पूरी कविता पढ़ू के वही एक, तो एक बार माहौल बनाओ फिर। चार पंक्तियां जवानों के लिए पढ़ना चाहता हूं, और जो भी मेरे भाई इधर उधर भटक रहे हैं, यदि पुरुषों में बैठना है तो फिर क्या चूज करना, कहीं बैठ जाओ। हम युवाओं पर एक आरोप लगता है साहब, युवा अपनी राह से भटक गया है, युवा प्रेम प्रसंगों में निपट कर रह गया है, आपके अंदर का मैंने देवानंद देखा है, अब आपके अंदर का भगत सिंह देखना चाहता हूँ। तब कहना चाहता हूँ चार पंक्तियों से, यदि मैंने उस नेता को जवाब दे दिया हो तो मुझे बताना कि वीरता का बखान हिंदू हो या मुसलमान, तब तब झांसी वाली रानी याद आती है, कि वीरता का बखान हिंदू हो या मुसलमान, तब तब झांसी वाली रानी याद आती है, प्रेम में मगन और भक्ति में भी हो लगन, कृष्ण भक्त मीरा सी दीवानी याद आती है, और अनिवार्य युद्ध हो, अनिवार्य युद्ध हो, अपनों के विरुद्ध हो, अरे गीता वाले अर्जुन की रवानी याद आती है, और शत्रु हो समक्ष और देश मांगता हो लहु, तब इस देश की जवानी याद आती है, तब इस देश की जवानी याद आती है।